हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का शिल्पी आलिम उनके चैनल में। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फिर से मैं आ गई आप सबसे मिलने के लिए। और हमारी यूट्यूब फैमिली कैसी है कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को नहीं प्रेस करेंगे तो मेरे छोटे छोटे जो वीडियो आता है आप सबके पास वो नहीं मिल पाएगा। और अगर न्यू होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को नहीं प्रेस करोगे तो मेरा छोटा छोटा जो वीडियो जाता है सबके पास, आप वीडियो के थ्रू हम लोग मिलते भी हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश भी करते हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली बहुत बड़ी हो जाती है ऐसे ही। और जो है एक दूसरे का सपोर्ट हम लोग करते हैं और बातें करते हैं क्या क्या। और अब बिना, और ये भी हो जाता है कि बिना देखे भी मन भी नहीं होता है कि नहीं, जो हमारी फैमिली है उसके घर भी जाना मुझे अच्छा लगता है, उसके घर भी चले जाते हैं हम लोग। और ऐसे ऐसे ही रिश्ता हम लोग का बन जाता है। और जो है ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं, आप सबको पहले दिखाते हैं मैंने आज क्या बनाया हुआ है। ज़्यादा कुछ नहीं बनाया हुआ है, जो मैंने बनाया हुआ है जैसे बनाया हुआ है आप सबको ऐसे सरल तरीका मेरा रहता है, ना बहुत हार्ड रहता है ना बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह रहते हैं, बहुत ज़्यादा ही वैसे नहीं रहता है। और कोई बहुत न्यू तरीका नहीं होता है, उन सब के लिए भी अच्छा होता है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा ही चीज़ अवेलेबल नहीं होता है। और हम लोग मान लो बाहर रहते हैं, अगर गांव में कोई देखता है या पसंद करता है वो भी देखता है तो उसके हिसाब से नहीं मिल पाता, उन सबको नहीं मिल पाता तो वो सब कैसे करेंगे। इसीलिए हम लोग भी सोचते हैं कि उन्हीं हिसाब से रहे कि जैसे कि सारे लोग को यूज में आए, सब लोग देखें, उनको पसंद करें, उसको बनाना सब कुछ हर चीज़ वो भी कर सके, उनको भी पसंद आता है तो बना सकें। अगर नई नई चीज़ें बहुत ज़्यादा हम लोग जैसे हलवाई लोग बनाते हैं या फिर होटल वगैरह में बनता है और रेस्टोरेंट वगैरह में बनता है, अगर उस तरीके से बना के दिखाते हैं तो शायद उन सबके पास नहीं अवेलेबल होगा ना। इसीलिए हम लोग जैसे भी करते हैं कि जैसे उन सब भी कर पाएँ या खाने को, खाने का तरीका भी अपना भी चेंज कर पाएँ, जो कि जितना अवेलेबल गाँव में सब कुछ मिलता है रहता है उन सब के लिए होता है। और चलो आगे बातें ना करते हैं, पहले आप सबको दिखाते हैं, उसके बाद लास्ट में मिलती हूँ। नॉर्मल तरीके से भूनते हैं बस, आप नहीं भूनना चाहो तो भून भी नहीं सकते हो, ना भूनने को नहीं था, मैंने फ्राई कर दिया थोड़ा सा। और इधर ये मेरा ये जो मैंने सब बारीकी से किया हुआ है इस तरीके से, देखिए
को हल्का सा ब्राउन कलर में करना है हमको। मेरा सब कुछ देखिए, ये देखो टमाटर दोनों ग्रेवी रेडी है, ये पनीर है और मैंने अभी केवल मटर नहीं, मटर वाली नहीं बनाऊंगी, ये पेस्ट है इसका पेस्ट बनाएंगे। इसमें एक इलायची है, बादाम है, मूँगफली है, बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं डाले हैं हम। और मेरा प्याज ब्राउन हो रहा है, ब्राउन हो भी चुका है, और इसमें ही टमाटर वमाटर ऐड करेंगे। अच्छे से भूनेंगे जब तक इसमें घी इसका ऑयल न निकलने लगे, तभी तक इसको हम ढक्कन लगाएंगे पहले अच्छे से। देखिए मैंने थोड़ी सी ताजी मलाई को ऐड कर दिया है, फिर इसको ढक्कन लगाएंगे। ये बहुत बढ़िया से फ्राई नहीं है, पका नहीं है अच्छे से, तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से भूनना होता है तभी इसका टेस्ट अच्छे से आता है। अलग इसका कुछ अच्छा नहीं आता है, पता नहीं क्यों, मोबाइल में एक हाथ से बनाते हैं, हाथ से चलाते हैं ना इसको, ढक्कन धीमी। किसी को पानी वाला पनीर नहीं पसंद होता, वो पानी ना डाले, बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है बिना पानी वाला। लेकिन हमारे यहाँ बच्चों को ग्रेवी से ज़्यादा वो थोड़ा लिक्विड ही पसंद है, इसलिए हमको लिक्विड तैयार करना पड़ रहा है। वैसे बहुत लिक्विड नहीं तैयार करेंगे, अभी इतना पकने के लिए मैंने डाला हुआ है, पानी ज़्यादा नहीं है, लिक्विड ही है। ये देखिए सब पनीर ही दिख रही है, लेकिन आप चाहो तो ऐसे सूखा जब मैंने बनाया, थोड़ा सा उसको दिखाना मैं भूल गई, उतना ही वैसे ही बनाओगे तो बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है, एकदम पूरा हलवाई जैसे लगेगा खाने में, टेस्ट अच्छा आएगा। और चलो इसको अच्छे से पक जाने देती हूँ, उसके बाद आप सबको रिटर्न होकर फिर फट से फटाफट आप सबको दिखाती हूँ। देखिए मेरी पनीर बन के रेडी हो गई है, बन के रेडी ही हो चुकी है एकदम। देखिए बच्चे हिला मचाए हुए हैं सूप, और ये देखिए अभी पक रही है। अब इसमें धनिया की पत्ती आप डाल के सर्व भी कर सकते हो, सबको खाने के लिए रेडी हो चुकी है पनीर, एकदम गर्मा गर्म लाजवाब। इसकी ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त होती है। मैंने बंद कर दिया है और धनिया की पत्ती भी मिक्स कर दी है, इसको सर्व भी कर सकते हैं कटोरी में। कुछ भी पानी भी नहीं है, एकदम पूरा फुल ग्रेवी है ये देखिए। फ्रेंड्स आप सबको कैसे लगा मेरा वीडियो, आप सबको आई होप मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, और जो है फिर कमेंट करके बताना आप सब कैसे हो। और चलो फिर आते हैं फिर अच्छे से ब्लॉग के साथ आप सबसे मिलने के लिए, और तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।